आज हम बात करेंगे फ्लैश के एपिसोड 10 और एपिसोड 11 के बारे में। अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे तो स्पॉइलर वार्निंग। तो शुरू करते हैं एपिसोड 10 से। इस एपिसोड में हमने देखा कि फ्लैश यानी कि बेरी एलन अब जेल जा चुका है और उसे वही सेल मिलता है जहाँ पे हेनरी एलन ने अपनी प्रिजन लाइफ स्पेंड की थी। हेनरी एलन बेरी एलन का फादर है। इस एपिसोड का मेन विलन था फॉलआउट। फॉलआउट असल में एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के पावर्स ये है कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट कर सकता है। ये जो एपिसोड था वो फोकस था ट्रायल ऑफ फ्लैश पे। इस एपिसोड में हमने फ्लैश की एक न्यू पावर देखी। ये पावर की मदद से वो किसी भी ह्यूमन को स्पीड फोर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, जैसे उसने यहाँ पे आयरिस के साथ किया। हमें ये भी पता चला कि टीम फ्लैश अब स्पीड फोर्स की साइन लैंग्वेज को डिकोड करने वाली है। एपिसोड 1 में सिस्को ने इस लैंग्वेज को डिकोड किया था और इस लैंग्वेज का मतलब निकला था दिस हाउस इज बिचिन। अब ये सेंटेंस की मदद से तो उन्हें कोई हिंट नहीं मिला। शायद से आगे फ्यूचर में ये लैंग्वेज को डिकोड करने के बाद उन्हें कोई प्रूफ मिल सकता है डीवो के अगेंस्ट, या उन्हें कोई हेल्प मिल सकती है फ्यूचर इवेंट के बारे में। आपके क्या ओपिनियन है इस साइन लैंग्वेज के बारे में? आपको जो भी लगता है आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। अब बात करते हैं एपिसोड 11 के बारे में। इस एपिसोड में दो न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और एक पुराना कैरेक्टर कम बैक करता है। ये दो न्यू कैरेक्टर्स है बिक्सर और प्रैंक, और जो पुराना कैरेक्टर है वो है एक्सेल। बेरी को पता चलता है कि बिक्सर और उसके फादर अच्छे दोस्त थे। बिक्सर असल में कॉमिक कैरेक्टर है और कॉमिक में उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। ये एपिसोड में हमें उसके पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। शायद आगे फ्यूचर में इसके पावर्स इंट्रोड्यूस हो जाए। अब बात करते हैं एक्सेल के बारे में। आयनाइट से एक्सेल भाग जाता है प्रैंक की मदद से। एक्सेल असल में प्रैंक और ट्रिक्स्टर का बेटा है। प्रैंक का जो कैरेक्टर है वो सिमिलर है हार्ले क्वीन के जैसा, और इन दोनों की बैक स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर है। इस एपिसोड में राल्फ डिब्नी को भी अपना सुपर हीरो नेम मिल जाता है और वो है इलोंगेटेड मैन। ये एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग सीन था ये एंड सीन, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं वो मिस्टीरियस गर्ल को जिसे हमने देखा था क्रॉसओवर एपिसोड में। इस सीन में वो अपने डायरी में कुछ लिख रही है और वो जो लैंग्वेज यूज कर रही है वो असल में स्पीड फोर्स की लैंग्वेज है। अब सवाल ये आता है कि ये मिस्टीरियस गर्ल है कौन? अब थ्योरी ये है कि ये आयरिस और बेरी एलन की डॉटर रह सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है ये सेसिल और जो की डॉटर है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सेसिल के पास कुछ पावर्स आ जाते हैं और ये पावर्स उसके पास उसके प्रेगनेंसी की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि ये मिस्टीरियस गर्ल कौन है? आपके जो भी ओपिनियन है इस कैरेक्टर के बारे में आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।